today we will start with chapter number 1, that is the food we eat. हम कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? The food we eat. ठीक है? Now let's start. We eat different kinds of food in a day. Each food item have a nutrition value. Food keeps us healthy and fit. It provides energy for working. ठीक है? हम अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं. ठीक है? हर फूड में अलग अलग तरीके के हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. ठीक है? और फूड हमें अलग अलग तरीके से क्या देता है? एनर्जी देता है. ठीक है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट काइंड्स ऑफ फूड, मील इन अ डे, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड एंड गुड ईटिंग हैबिट्स. हम इसमें काइंड्स ऑफ फूड पढ़ेंगे. मील्स इन अ डे, मील्स इन अ डे मतलब एक दिन में हमें कितनी मील्स चाहिए, दैट इज इन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, इन आफ्टरनून लंच एंड इन नाइट डिनर. ठीक है? हम अनकुक्ड और कुक्ड फूड के बारे में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद फूड. We need food to stay alive and to grow. It gives energy to do work and play. It keeps healthy and makes us strong. हमें फूड की क्यों जरूरत पड़ती है? कि हम जिंदा रह सके और ग्रो कर सकें. ठीक है? और हमें खाना क्या देता है? एनर्जी देता है. टू डू वर्क एंड प्ले. इट कीप्स हेल्थी एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग. हमको हेल्थी भी रखता है और हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाता है. नाउ स्टार्ट विद काइंड्स ऑफ फूड. अब हम काइंड्स ऑफ फूड पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके के फूड पढ़ेंगे. वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. देयर आर थ्री मेन काइंड्स ऑफ फूड. ठीक है? बेसिकली तीन तरीके के होता है, दैट इज बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. तीन तरीके के फूड होते हैं. कौन कौन से? बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड एंड एनर्जी गिविंग फूड. दीज आर एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स. नाउ फूड लाइक राइस, व्हीट, शुगर, बटर एंड मिल्क गिव्स अस एनर्जी. अब हम कुछ एनर्जी गिविंग फूड की बात करेंगे, जैसे कि राइस हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गया, बटर हो गया. दीज ऑल आर एनर्जी गिविंग फूड. लाइक फिश एंड मिल्क, मीट एंड वेजिटेबल मेक्स आर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स कीप्स अस एक्टिव एंड फिट. चिल्ड्रन मट ईस्ट ग्रीन वेजिटेबल्स. ठीक है? जैसे फिश हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, ये हमें हेल्थी रखता है. ठीक है? और इस ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं और जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, वो हमें क्या रखते हैं? एक्टिव भी रखते हैं और फिट भी रखते हैं. बच्चों को क्या खाने चाहिए? फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए. ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज मील एट डिफरेंट टाइम. अब हम अलग अलग टाइम की मील बात करेंगे. जैसे फर्स्ट डे मील, जो डे की हमारी फर्स्ट मील होती है, दैट इज ब्रेकफास्ट. ठीक है? इन आफ्टरनून वी डू लंच एंड इन नाइट वी डू डिनर. नाउ वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स अ डे. फूड दैट इज टेकन एट अ फिक्स टाइम एवरी डे इज नोन एज मील. जो हम खाना फिक्स टाइम पर लेते हैं रोज, उसे कहते हैं मील कहते हैं. अब हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट. वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. वी टेक मिल्क विद ब्रेड एंड बटर और जैम फॉर ब्रेकफास्ट. समटाइम्स वी ऑल्सो टेक एग्स. इट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे. जो ब्रेकफास्ट होता है वो क्या होता है? फर्स्ट मील होता है डे का. बेसिकली हम देखा होगा ब्रेकफास्ट में तो ब्रेड हो गया, ब्रेड का हम जैम से खा लेते हैं या फिर टोस्ट वगैरह बना के, या फिर हम एग भी खाते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं. पोहा हो गया, आपके जवे हो गए, ये सब भी क्या है? ब्रेकफास्ट है. नाउ दैट इज लंच. वी हैव लंच इन द आफ्टरनून. वी ईट चपातीज, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल, कर्ड फॉर लंच. इन द इवनिंग पीपल टेक टी और फ्रूट जूस एंड बिस्किट्स लाइक स्नैक्स. ठीक है? लंच हम आफ्टरनून में करते हैं और लंच में हम जैसे कि राइस हो गया, पल्सेस हो गया, हमारा चपातीज हो गया, सैलड हो गया, कर्ड हो गया. ठीक है? हम ये कब खाते हैं? लंच में खाते हैं. और बेसिकली आपने देखा होगा इवनिंग का जो टाइम होता है, बहुत लोग जूस पीते हैं या टी या मिल्क पीते हैं और विद बिस्किट एज अ लाइट स्नैक. Now, next is dinner. Night is the time for dinner. We eat chapatis, pulses, rice and vegetables. Some people eat meat or fish. We enjoy sweets and desserts after dinners. आपने देखा होगा night में हम क्या लेते हैं? Dinner लेते हैं. इसमें लोग pulses हो गया, chapatis हो गया, vegetables, मतलब जिससे हम सब्जी भी खाते हैं और बहुत लोग salad वगैरह भी खाते हैं. और mostly जो non-vegetarian लोग होते हैं वो fish, meat वगैरह भी खाते हैं. और हम रात में जब डिनर कर लेते हैं उसके बाद स्वीट्स या डेजर्ट्स वगैरह भी खाते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन. कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं और कुछ लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं.
वेजिटेरियंस कौन होते हैं? जो पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, राइस ये सब खाते हैं. और नॉन वेजिटेरियंस क्या होते हैं? जो एग, मीट, फिश ये खाते हैं. वो कौन होते हैं? नॉन वेजिटेरियंस. नाउ वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस, पीपल हु ईट मीट, चिकन एंड फिश आर नोन एज कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस. पीपल हु डू नॉट ईट मीट, चिकन एंड फिश आर कॉल्ड वेजिटेरियंस. दे ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्रूट ग्रेन्स एंड ड्रिंक मिल्क. जैसे आपको मैंने बताया, जो मीट, फिश एंड ये सब खाते हैं ये कौन होते हैं? नॉन वेजिटेरियंस. और जो राइस, पल्सेस, मिल्क वगैरह ये सब खाते हैं कौन होते हैं? नॉन वेज, सॉरी वेजिटेरियंस. ठीक है, वेजिटेरियंस डू नॉट ईट मीट. नाउ वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड. कुछ फूड जो हम कुक करके खाते हैं और कुछ फूड होते हैं जो हम रॉ खाते हैं, मतलब अनकुक्ड खाते हैं. जैसे सैलड्स हो गए, ये अनकुक्ड फूड होते हैं. ठीक है, नाउ कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड. फूड, मोस्ट ऑफ आर फूड इज कुक्ड. वी एड सॉल्ट एंड स्पाइसेस व्हाइल कुकिंग टू मेक आर फूड टेस्टी. कुक फूड इज ईजी टू डाइजेस्ट एंड ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ. देखो, ज़्यादातर हम खाने को कुक करके ही खाते हैं. ठीक है, उसमें सॉल्ट, स्पाइसेस वगैरह ऐड करते हैं, इससे वो फूड टेस्टी हो जाता है और हमें खाने में भी अच्छा लगता है. ठीक है, और जो कुक फूड होता है वो हेल्थी भी होता है हमारे लिए और वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है. ओवर कुक फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ बिकॉज इट लूजेज इट्स विटामिन्स वाइट ओवर कुक. ठीक है, हमें खाने को ज़्यादा ओवर कुक भी करना नहीं चाहिए क्योंकि जो उसके विटामिन्स होते हैं वो सारे उसमें बेकार हो जाते हैं. मिल्क इज ऑल्सो बॉइल्ड बिफोर ड्रिंकिंग, इट मेक्स इट जर्म फ्री. हम देखा है घर में भी मम्मा लोग होती हैं, मिल्क को क्या करती हैं? पहले पकाती हैं, ठीक है, गर्म करती हैं, उसके बाद हम पीते हैं. क्यों? क्योंकि वो जर्म फ्री हो जाए, उसमें कोई जर्म्स ना बचे. नाउ सम फूड्स लाइक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ. बोथ कुक्ड एंड अनकुक्ड आर गुड फॉर हेल्थ. वी शुड ईट केयरफुली, वी शुड बी केयरफुल अबाउट आर फूड हैबिट्स. ठीक है, आपने देखा होगा, अब मैंने बताया अनकुक में आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया. फ्रूट्स तो आप कोई भी खा सकते हो, लेकिन वेजिटेबल्स जैसे आपका कुकुम्बर हो गया, कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, ये आप कैसे खाते हो? रॉ खा सकते हो, मतलब अनकुक्ड खा सकते हो. नाउ सम गुड ईटिंग हैबिट्स. अब हम गुड ईटिंग हैबिट्स की बात करेंगे. वी शुड ईट फ्रेश, कवर्ड एंड क्लीन फूड. वी शुड नेवर ईट स्टेल फूड, इट मेक्स अस इल. हमें फ्रेश और कवर्ड फूड खाना चाहिए, अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए. और हमें फ्रेश और स्टेल फूड नहीं खाना चाहिए. अगर हम स्टेल फूड खाएंगे तो वो हमें क्या कर देगा? बीमार कर देगा. वी फूड शुड ऑलवेज बी कैप्ड कवर्ड. जो हम खाना होता है उसको हमेशा हमें कवर्ड करके रखना चाहिए. अनकवर्ड फूड मेक्स अस इल. वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग मी. ठीक है, आपको फूड को कवर करके रखना चाहिए. अगर उसे आप अनकवर रखेंगे तो उस पर मॉस्किटोज वगैरह आ जाएंगे, जिससे आप उसे खाएंगे तो आपको बीमार पड़ देंगे. ठीक है, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें हैंड वॉश करने चाहिए. वी शुड नॉट वेस्ट फूड. वी शुड ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल. हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए. वी शुड नॉट ईट टू मैनी कॉफ़ीज, चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम. हमें ज़्यादा टॉफ़ीज, चॉकलेट्स और आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, वो आपके टीथ्स को हार्म कर सकती है. वी शुड ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल. वी शुड नॉट ईट बिटवीन द मील. हमें रेगुलर इंटरवल्स पे खाना चाहिए, यानी कि आप बीच में भी कुछ भी खा रहे हैं. वी शुड ब्रश आवर टीथ आफ्टर एवरी मील. हर मील के बाद हमें अपने जो ब्रश को, टीथ को ब्रश करना चाहिए. ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा प्रीव्यू करती हूँ. हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है? हमने सारे मील्स पढ़े. ठीक है, जैसे कि हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, आफ्टरनून में डिनर हो गया, एट नाइट आफ्टरनून में लंच हो गया, एट नाइट हमारा क्या हो गया? डिनर हो गया. ठीक है, हमने सब इसके बारे में पढ़ा. और हमने क्या पढ़ा कि गुड हैबिट्स क्या क्या होनी चाहिए, कैसे हमें अच्छे से वॉश करके अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए और फूड को वॉश करना चाहिए. जो आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट से लाते हैं उनको वॉश करना चाहिए, फिर उनको खाना चाहिए. ठीक है, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हैंड वॉश करने चाहिए. पर हमने कुक्ड और अनकुक्ड फूड के बारे में पढ़ा था. कुक्ड फूड तो आपको पता ही है, वो बहुत स्ट्रांग होता है. और अनकुक्ड फूड में हमारा जैसे सैलड होता है वो आता है, वो भी स्ट्रांग होता है लेकिन वो इतना टेस्टी नहीं होता. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू.